नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली हुई हमेशा हमेशा के लिए बंद। सलमान खान उनकी फिल्में अक्सर ही खबरों का हिस्सा बनी रहती हैं। एक्टर की फिल्म हमेशा फैंस को लुभाती है, उनके फैंस उनकी फिल्म को कमाल का रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनने के बाद फैंस के होश उड़े हुए हैं, फैंस काफ़ी निराश हैं। एक्टर सलमान खान के फैंस के लिए बुरी खबर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को बंद कर दिया गया है। इस फिल्म से साजिद नडियाडवाल ने अपना हाथ हटा लिया है। ऐसा एक्टर की कई फिल्मों के साथ हो चुका है, यह कोई पहली दफा नहीं है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी फिल्में हैं जिन्होंने कभी सिनेमाघरों का मुंह तक नहीं देखा, उन्हें बंद कर दिया गया। अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी फिल्म आंख मिचौली को भी कभी रिलीज नहीं किया गया था। इसमें एक्टर डबल रोल में नजर आने वाले थे। वहीं ऐ मेरे दोस्त फिल्म में अरबाज खान, दिव्या भारती, करिश्मा कपूर, सलमान खान लीड रोल में नजर आने वाले थे। फिल्म की शूटिंग भी हुई थी लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई थी। इसी के साथ एक्टर सलमान खान की एक फिल्म जिसका टाइटल बुलंद रखा गया था, वो भी कभी सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ सोमी अली नजर आने वाली थी। बता दें कि फिल्म चोरी मेरा काम आने से पहले ही चर्चा में थी। इस फिल्म में सलमान खान, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, काजोल को कास्ट किया गया था। इस फिल्म की कास्टिंग से पता चल रहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने वाली है, लेकिन ये फिल्म भी कभी रिलीज नहीं हुई। अब एक बार फिर से सलमान खान के फैंस को झटका लगा है जब उनकी ही फिल्म कभी ईद कभी चांद फिर एक बार फिर से रिलीज नहीं हो पाएगी, और इससे फैंस काफी ज्यादा निराश हैं। और सलमान खान के फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि फैंस कभी ईद कभी दिवाली फिल्म का काफी इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब से ये खबर सामने आई है कि ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, फैंस परेशान हैं। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।